Hello friends, this is Nardeep Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग को, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी मोस्ट अवेटेड एसयूवी स्कॉर्पियो एन को भारतीय बाजार में उतारा है। आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन स्कॉर्पियो एन वर्सेस हुंडई की मोस्ट पॉपुलर 6 और 7 सीटर एसयूवी हुंडई अल्कजार के बीच। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस रेंज की। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के प्राइसेस एमटी वेरिएंट के आ चुके हैं 11.99 लाख टू 19.49 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली जाती है। वहीं इसके एटी वेरिएंट के प्राइसेस अभी तक नहीं आए हैं और जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस है 15.14 लाख टू 21.24 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। हुंडई अल्कजार की प्राइस रेंज आती है 15.89 लाख टू 20.25 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें एमटी और एटी दोनों ही वेरिएंट इंक्लूड है। प्राइस डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पेट्रोल स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट 11.99 लाख जाती है, वहीं हुंडई अल्कजार के बेस वेरिएंट 15.89 लाख पेट्रोल वेरिएंट की जाती है। यानी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 3.9 लाख, यानी कि 4.25 लाख यहां पे डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। प्राइस के मामले में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन हुंडई अल्कजार को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डायमेंशंस की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख पा रहे हो, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का जो लेंथ है 4662 mm है, जो कि 162 mm ज़्यादा है हुंडई अल्कजार के लेंथ से। विड्थ की अगर हम बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का विड्थ है 1917 mm, जो कि 127 mm ज़्यादा है हुंडई अल्कजार के विड्थ से। वहीं हाइट की बात करें तो 1857 mm दिया गया है स्कॉर्पियो एन का हाइट, और जो कि 182 mm ज़्यादा है हुंडई अल्कजार के हाइट से। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख पा रहे हो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में 2750 mm का व्हील बेस दिया गया है, जो कि 10 mm कम है हुंडई अल्कजार के व्हील बेस से। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो एन में 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है, जो कि 13 mm कम है हुंडई अल्कजार की ग्राउंड क्लियरेंस से। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, अप्रॉक्स 70-80 लीटर आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है स्कॉर्पियो एन में, जो कि तकरीबन 100 लीटर कम है हुंडई अल्कजार के बूट स्पेस से, क्योंकि हुंडई अल्कजार में प्रोवाइड किया गया है 180 लीटर का बूट स्पेस। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 57 लीटर प्रोवाइड किया गया है स्कॉर्पियो एन में, जो कि 7 लीटर ज़्यादा है हुंडई अल्कजार के फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। इन दोनों ही एसयूवी को सामने सामने आप देखते हो विजुअली, तो हुंडई अल्कजार काफ़ी छोटी लगेगी स्कॉर्पियो एन के कंपैरिजन में, यानी कि डायमेंशंस के मामले में स्कॉर्पियो एन काफ़ी आगे निकल जाती है हुंडई अल्कजार से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इंजन स्पेसिफिकेशंस की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में प्रोवाइड किया गया है 2 लीटर 4 सिलेंडर एमस्ट्रेलियन पेट्रोल इंजन, जो कि 200 bsp की पावर 5000 rpm पे एंड 370 nm पीक टॉर्क जनरेट करता है 3000 rpm पे। ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। वहीं इसमें सेकंड इंजन ऑप्शन दिया गया है 2.2 लीटर 4 सिलेंडर एम हॉक डीजल इंजन, जो कि 130 bsp की पावर 3750 rpm पे एंड 300 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 3000 rpm पे। ट्रांसमिशन इसमें भी आपको मिलते हैं 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। वहीं हुंडई अल्कजार में प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लाइंट 2 लीटर 4 सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन, जो कि 157 bsp की पावर 6500 rpm पे एंड 191 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4500 rpm पे। ट्रांसमिशन इसमें भी मिलते हैं आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। वहीं इसमें
प्रोवाइड किया गया है सेकंड इंजन ऑप्शन BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर फोर सिलेंडर CRDI डीजल इंजन 113 bsp की पावर 4000 rpm पे एंड 250 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 2750 rpm पे और इसमें भी मिलते हैं आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन। यानी कि इंजन एंड पावर परफॉर्मेंस के मामले में स्कॉर्पियो एन काफी आगे निकल जाती है हुंडई अल्काज़ार से। दोस्तों चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के एक्सटीरियर डिजाइन डायनेमिक्स की और इसके फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो काफी रोबस्ट और रगेड फील होता है जो कि फ्रंट प्रोफाइल से देखने में काफी स्टनिंग लगती है दोस्तों। और हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको प्रोवाइड किया गया है प्रोजेक्ट हेडलैम्प और LED हेडलैम्प सेटअप और इसमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर दिया गया है जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। नीचे सी शेप्ड LED डे टाइम रनिंग लाइट प्रोजेक्टर फॉग लैंप प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें तो यहां पे कहीं ना कहीं ओल्ड वेरिएंट से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ डिजाइन दिया गया है और इसमें 6 वर्टिकल स्लैट्स दिए गए हैं। बीच में महिंद्रा का न्यू लोगो जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। नीचे एयरडैम ब्लैक कलर में स्किड प्लेट सिल्वर कलर में दिया गया है। काफी शानदार इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। की फ्रंट प्रोफाइल से देखने पे काफी बोल्ड एग्रेसिव नजर आ रही है और वहीं इसके हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो क्रेटा से रिजेंबल करता है और इसमें LED डे टाइम रनिंग लाइट LED हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो और जस्ट इसके नीचे आपको टर्न इंडिकेटर और LED फॉग लैंप प्रोवाइड किया गया है क्रोम इंसर्ट्स में। फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें तो यहां पे डार्क क्रोम का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। बीच में हुंडई का लोगो दिया गया है और जस्ट उसके नीचे आपको मिलता है फ्रंट पार्किंग कैमरा। जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो कि एक प्लस पॉइंट है और इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स के तौर पे फ्रंट बम्पर पे आपको दिया गया है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड और नीचे स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर में ही प्रोवाइड किया गया है जो कि इसके SUV स्टांस को और भी बढ़ा देते हैं। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं स्कॉर्पियो एन के साइड प्रोफाइल की। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग प्रोवाइड किया गया है जो कि इसके SUV स्टांस को बढ़ा देते हैं। वहीं ब्रेक की बात करें तो चारों व्हील्स में वेंटिलेटेड डिस्क प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट में सस्पेंशन डबल विशबोन सस्पेंशन विद कोयल स्प्रिंग एंड रियर में दिया गया है पेंटा लिंक सस्पेंशन विद वाट लिंकेज विद FDD एंड MTV CL और इसके साइड प्रोफाइल में दिया गया है 18 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील और व्हील साइज है 245/65R18 और इसके साइड प्रोफाइल में प्रोवाइड किया गया है फुट रेस्ट। इसके साथ ही आपको यहां पे क्लैडिंग दिया गया है सिल्वर कलर में जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। विंडो लाइन में क्रोम फिनिश दिया गया है और सभी ग्रैब हैंडल पे आपको मिलते हैं यहां पे क्रोम फिनिश। जी हां दोस्तों और सिल्वर कलर के रूफ रेल के साथ इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हुंडई अल्काज़ार के साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं और इसके साइड प्रोफाइल में प्रोवाइड किया गया है 18 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील और व्हील साइज है 215/55R18। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग आपको प्रोवाइड किया गया है। वहीं इसमें बॉडी कलर वार्बियम LED टोन इंडिकेटर के साथ प्रोवाइड किया गया है। जस्ट इसके नीचे आपको साइड कैमरा और यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन पटल लैम्प प्रोवाइड किया गया है जिसमें हुंडई का लोगो आपको रात में दिखाई देगा और इसके ए पिलर बी पिलर पी सी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है और यहाँ पे सिल्वर कलर के रूफ रेल और पेनोरमिक सनरूफ आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके सी पिलर पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। सन वाइजर प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो और ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में दिया गया है और इसके सभी व्हील्स पे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसके साइड प्रोफाइल में सिल्वर ग्रेस कलर में आपको स्किड प्लेट प्रोवाइड किया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्कॉर्पियो एन के रियर प्रोफाइल की और इसके रियर प्रोफाइल में काफ़ी शानदार टेल लैम्प यूनिट दिया गया है जो कि यूनिक डिज़ाइन में अवेलेबल है और इसके बीच में आपको सिक्वेंशियल टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है। कि रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर शार्कफिन एंटीना रूफ रेल सिल्वर कलर में दिया गया है और इसके अलावा आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प डिफॉगर और रियर वाइपर प्रोवाइड किया गया है। टेल गेट पे भी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है बूट में और इसके अलावा बीच में महिंद्रा का न्यू लोगो नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रोवाइड किया गया है। रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको नीचे रियर बम्पर पर मिल जाते हैं और रियर बम्पर पे क्रोम फिनिश दिया गया है। इसके अलावा स्कॉर्पियो एन की बैजिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। टर्न इंडिकेटर आप देख पा रहे हो सिक्वेंशियल
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे ऊपर शॉक पिन एंटीना, नीचे आपको रियर बम्पर स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर में दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आप देख पा रहे हो, न्यू महिंद्रा का लोगो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे टेल लैम्प यूनिट आप देख सकते हो, नीचे आपको एक क्रोम फिनिश रिवर्स पार्किंग लाइट, रिवर्स पार्किंग कैमरा और इसके वॉल्यूम आपको बॉडी कलर में दिया गया है। टर्न इंडिकेटर तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, जो कि एक प्लस पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं हुंडई अल्कांतारा के रियर प्रोफाइल की। सबसे पहले नजर जाती है एलईडी टेल लैम्प यूनिट, कुछ इस तरह का डिजाइन, हनीकॉम डिजाइन यहाँ पे दिया गया है और इसमें क्रोम फिनिश दिया गया है। और इसके रूप पे ध्यान दे तो शॉक फिन एंटीना, ड्यूल टोन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, दोनों ओर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में स्प्रेड्स दिए गए हैं जो कि इसके रियर प्रोफाइल को और भी एनहांस कर देते हैं। लुक वाइज डिफॉगर एंड रियर वाइपर आपको प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा टेल गेट के बीचों बीच आपको डार्क क्रोम में अल्कांतारा का एम्बलम प्रोवाइड किया गया है। एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ, हुंडई का लोगो बीच में प्लेस किया गया है नंबर प्लेट की जगह, जस्ट उसके ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा यहां पे दिया गया है। और इसके अलावा इसके रियर प्रोफाइल एक बार चेकआउट कीजिए, टेल गेट के लेफ्ट साइड प्रोवाइड किया गया है इंजन स्पेसिफिकेशन, जैसे कि ये BS6 2 लीटर पेट्रोल इंजन है। और राइट साइड आपको वेरिएंट यानी सिग्नेचर की वेजिंग और टेल गेट के बॉटम लाइन पे दिया गया है क्रोम फिनिश, ड्यूल टोन रियर बम्पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ दोनों ओर आपको दिया गया है रिफ्लेक्टर्स क्रोम फिनिश में, और ड्यूल एग्जॉस्टर भी प्रोवाइड किया गया है। और स्किड प्लेट आपको डार्क ग्रे में दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि इसके रियर प्रोफाइल को एनहांस कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर की। और इंटीरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल, वार्मिंग के कंट्रोल और लेदर फिनिश दिया गया है। 1 लीटर का बोट होल्डर, डैशबोर्ड लेआउट एक बार चेकआउट कीजिएगा, ड्यूल टोन यहाँ पे कॉफ़ी लेदर और ब्लैक कॉम्बिनेशन में काफ़ी शानदार लग रहे हैं। सेंटर कंसोल पे नज़र डालिएगा दोस्तों, काफ़ी शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे फील हो रहा है। और फ्लैट बॉटम टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड में दिया गया, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है। वायरलेस एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, FM, ऑक्स एंड USB को सपोर्ट करता है दोस्तों। 6-way एडजस्टेड ड्राइवर सीट और रियर सीट आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह का दिया गया है। बीच में आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं डोर ग्रैब हैंडल पे। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 दिए गए, बीच में आपको यहाँ पे फिक्स दिया गया है। रियर एसी वेंट सिल्वर फिनिश में कंट्रोल दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और रियर सीट पे कुछ इस तरह का फिनिश। और इसके साथ ही आप रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का है और यहाँ पे सेंटर कंसोल आप देख पा रहे हो, आर्मरेस्ट दिया गया है जिसके नीचे स्टोरेजेस दिए गए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त फील होता है। जबकि इसके इंटीरियर में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का दिया गया है, लेकिन देखने पे ये काफ़ी बड़ी लग रही है दोस्तों। ट्रांसमिशन इसमें 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको यहाँ पे काफ़ी लार्ज दिया गया है, जिसमें आपको ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इलेक्ट्रिक सनरूफ के कंट्रोल, ऑटो डिमिंग, IRBM आपको प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह का, ये जैसे कि 7-seater वर्जन है दोस्तों, इसमें 6-seater भी आता है कैप्टन सीट के साथ। यहाँ पे AC वेंट कुछ इस तरह का, काफ़ी ज़बरदस्त इसका रूमी एयरी और ज़बरदस्त फील होता है इसका इंटीरियर। सेंटर कंसोल में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 2 कप होल्डर जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसमें हैंड ब्रेक आपको नॉर्मल मिलते हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ एक बार चेकआउट कीजिएगा। और रियर सीट से यहाँ पे फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है। और रियर सीट में आपको यहाँ पर स्पेस दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी खासी जगह आपको यहाँ पर लेग रूम में मिल जाता है दोस्तों, और हेडरूम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सबसे पीछे वाली सीट में। और यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे टम्बल डाउन, वन टच टम्बल डाउन आपको यहाँ पे दिया गया है रियर सीट में एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल सबसे पीछे वाली सीट पे, आप मुझे AC वेंट नज़र नहीं आया कहीं। और यहाँ पे दिया गया है LED कैबिन लाइट, काफ़ी ब्राइटनेस और फिक्स्ड हैंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे जगह रियर सीट पे आपको मिल जाती है। ज़्यादा हाइट के लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है दोस्तों, मेरी हाइट है 5'2", मुझे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है। और यहाँ पे रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो
एक बार आइडिया ले लीजिएगा कुछ इस तरह का यहाँ पे फील आता है दोस्तों, काफी अच्छी खासी जगह यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। लेकिन रियर सीट को 50-50 स्प्लिट यहाँ पे नहीं दिया गया है, अगर होता तो ज्यादा बेटर यहाँ पे आपको महसूस होता है दोस्तों। और वन टच टम्बल डाउन आप यहाँ पे कुछ इस तरह का कर सकते हैं, और एक बार बूट पे नजर डालें जिससे आपको एक बार आइडिया हो जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है और यहाँ पे बूट स्पेस आप देख पा रहे हो, आइडिया ले लीजिएगा कुछ इस तरह का। 100 लीटर तकरीबन यहाँ पे दिया गया है और रियर सीट कुछ इस तरह फोल्ड हो जाते हैं। 50-50 का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है कुछ इस तरह का फोल्ड, काफ़ी ज़्यादा लगेज आपका यहाँ पे आ सकता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसमें आपको टूल किट भी दिया गया है और कुछ इस तरह आप अनफोल्ड और फोल्ड कर सकते हैं रियर सीट को। रियर साइड से आप इंटीरियर को कुछ इस तरह देख पा रहे हो जिससे आपको बेटर आइडिया हो सके दोस्तों। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है स्पेयर व्हील स्टील व्हील में। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें मिल जाते हैं 6 एयरबैग, ABS VDBD, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो डिमिंग, IRBM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, एंटी पिंच पावर विंडो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ड्राइवर ड्रोजीनेस डिटेक्शन, ई कॉल एंड SOS स्विच, आई साइज कंपैटिबिलिटी, नेक्स्ट जनरेशन बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म, पावरफुल RWD SUV, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, कर्टिन एयरबैग, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम। और इसके टॉप इन वेरिएंट में तो आपको कई मोड्स मिल जाते हैं, सैंड मोड, मड मोड, नॉर्मल मोड जैसे सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हुंडई अल्काज़ार के इंटीरियर की। चेकआउट कीजिएगा लेफ्ट साइड से और इसके फ्रंट डोर पे आपको मिलते हैं पावर विंडो के कंट्रोल, कॉग्निट ब्राउन इंसर्ट, 1 लीटर का बोटो होल्डर, बोस के स्पीकर और सिल्वर इंसर्ट। और वहीं इसके इंटीरियर की बात करें, डैशबोर्ड लेआउट की बात करें तो प्रीमियम ड्यूल टोन कॉग्निट ब्राउन इंसर्ट्स दिए गए हैं जो कि इसके प्रीमियमनेस को और भी बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फ्लैट बॉटम, टिल्टेबल, टेलीस्कोपिक, मल्टी फंक्शन लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है। वहीं इसके सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट और एयर प्यूरिफायर प्रोवाइड किया गया है। जस्ट इसके नीचे आपको दिया गया है स्टोरेज, काफ़ी डीप स्टोरेज आपको चेकआउट करा देता हूँ। और वहीं जस्ट इसके आगे आपको 2 कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है। जस्ट उसके एडजस्टेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग एंड ऑटो होल्ड का फंक्शन दिया गया है। इसमें आपको हैंड ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन उसके जस्ट एडजस्टेंट आपको दिया गया है। व्यू मिरर जिसमें आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा का व्यू, और इसमें आपको फ्रंट सीट वेंटिलेटेड सीट दिया गया है। और वहीं जस्ट उसके आगे आपको दिया गया है स्टोरेज, 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट, कुछ इस तरह का फंक्शन यहाँ पे, पियानो ब्लैक सराउंडिंग में, और इसी के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले के साथ प्रोवाइड किया गया है। और इस सेगमेंट में सबसे लार्ज 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, FM, ऑक्स एंड USB को। और इसमें 360 डिग्री कैमरा आप यहां पे कुछ इस तरह देख पा रहे हो। व्यू मिरर का बटन दबाने के बाद आप यहां पे देख पाओगे 360 डिग्री कैमरा, जी हाँ दोस्तों, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है दोस्तों, जो कि ब्लू लिंक कनेक्टेड फीचर से लैस है। और इसमें 8 स्पीकर आपको प्रोवाइड किया गया है। इसी के साथ सेगमेंट का सबसे लार्ज 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और इसमें कमाल का फीचर दिया गया है दोस्तों, अगर आप टर्न इंडिकेटर राइट या लेफ्ट करते हैं तो आपको बाहर का व्यू भी दिखता है। और इसके अलावा इसमें आपको ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली मिल जाती है। और इसके साथ ही सेंटर में हॉरिजॉन्टल AC वेंट सिल्वर इंसर्ट्स के साथ, और साइड में आपको वर्टिकल AC वेंट, और इसमें ग्लोब बॉक्स, कूल्ड ग्लोब बॉक्स दिया गया है। जस्ट अ सफिशिएंट जगह आपको मिलने वाली है। और वहीं डैशबोर्ड लेआउट की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम सॉफ्ट टच, और इसमें को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, सेंटर में 2 LED कैबिन लाइट, और इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ आपको प्रोवाइड किया गया है जिसके कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और IRBM डे नाइट IRBM आपको प्रोवाइड किया गया है। वहीं इसमें आपको सनग्लास होल्डर भी आपको दिया गया है
ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो एक बार दूसरे एंगल से भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पैनोरमिक सनरूफ, उसका कंट्रोल कुछ इस तरह का यहाँ पे, और वन टच यहाँ पे आपको पैनोरमिक सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा दोस्तों। पैनोरमिक सनरूफ ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को, और इसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल, कॉग्नेट ब्राउन इंसर्ट, और यहाँ पे बोस के स्पीकर, 1 लीटर का बोटो होल्डर, ट्विटर दिया गया है, और इसमें मैनुअली एडजस्टेड विंडो के शेड आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इंटीरियर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जैसे कि 6 सीटर वेरियंट है, इसमें कुछ इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। कुशन हेडरेस्ट चेकआउट कीजिएगा, जो कि आपने हुंडई क्रेटा में भी देखा होगा, जो कि इसके कंफर्ट को और भी बढ़ा देते हैं, खासकर लॉन्ग जर्नीज में। और ये सीट रिक्लाइन भी हो जाते हैं और स्लाइड भी हो जाते हैं। सेंटर में दिया गया है आर्मरेस्ट, जस्ट उसके नीचे स्टोरेजेस, 2 कप होल्डर, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट सीट के जस्ट पीछे आपको दिया गया है रिट्रैक्टेबल टेबल, चेकआउट कीजिएगा, और यहाँ पे कप रखने के लिए भी जगह दिया गया है, आईटी डिवाइस होल्डर, और यहाँ पे पॉकेट भी दिया गया है छोटा सा, और रियर पैसेंजर्स के लिए रियर एसी वेंट प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और USB पोर्ट, और आर्मरेस्ट में प्रोवाइड किया गया है एयर प्यूरीफायर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सेंटर रूम में आपको लेग रूम कुछ इस तरह का मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हेड रूम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, भरपूर जगह मिल जाता है। शोल्डर रूम में भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और यहाँ से आप रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड लेआउट काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। रियर सीट से पैनोरमिक सनरूफ एक बार चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। चारों ओर ग्रैब हैंडल के साथ आपको दिया गया है ब्राइट LED कैबिन लाइट। रियर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वन टच टंबल डाउन टंबल अप हो जाता है, और चलते हैं इसके रियर सीट की ओर और देख पाते हैं यहाँ पे कितनी कंफर्टेबल आपको सीट मिल पाती है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, मेरी हाइट है 5'2", और मेरे बराबर के हाइट वाले यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे दोस्तों, लेकिन मेरे से जो ज़्यादा हाइट के हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे क्या क्या सुविधा प्रोवाइड किया गया है, यहाँ राइट साइड देखिए AC वेंट, उसके कंट्रोल, USB पोर्ट और कप होल्डर, इसी तरह आपको लेफ्ट साइड भी देखने को मिलता है। और रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 2 LED कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी खासी है, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं इसके बूट गेट को, और चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड दिया गया है बोस का स्पीकर, और इसके रियर सीट को आप 50-50 स्प्लिट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। सभी सीट इस्तेमाल करने के बाद बच जाता है 180 लीटर का बूट स्पेस। और वहीं टूल किट की अगर हम बात करें तो जस्ट इसके अंडरनीथ आपको प्रोवाइड किया गया है टूल किट, और इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है स्टील में। चलिए अब क्लोज कर देते हैं इसके बूट गेट को। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको प्रोवाइड किया गया है, ग्रैब करके इसे क्लोज कर देते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, लेन चेंज इंडिकेटर, फ्लैश एडजस्टमेंट, सराउंड व्यू मॉनिटर, फॉलो मी होम हेडलैम्प यूनिट, ऑटो डिमिंग IRBM, आइसोपीक चाइल्ड सीट एंकरेज, प्रीटेशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं।
ये थी दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो एन वर्सेस हुंडई अल्काज़ार के बीच में कंपैरिजन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट ड्राइव्स वॉक अराउंड्स कंपैरिजन एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।